साथियों, 10 लाख कर्मचारियों के लिए आई लेटेस्ट खबर। महंगाई चरम सीमा पर, प्रदेश के कर्मचारियों को मिले 31% महंगाई भत्ता। अध्यापकों को ही लेटेस्ट खबर है। इस प्रकार की लेटेस्ट और पूरी खबर के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पहली बड़ी खबर 31% महंगाई भत्ते को लेकर। केंद्र के समान डीए न मिलने से प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों में आक्रोश। विशेष खबर जबलपुर से लगी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते बढ़ोतरी करते हुए 31% कर दिया गया है। वहीं राज्य के कर्मचारियों को अभी भी 20% ही महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। कर्मचारियों के लिए धनतेरस, दीपावली, प्रदेश का स्थापना दिवस, देव उठनी ग्यारस और नव वर्ष जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार निकलने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते दिए जाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों में भारी निराशा एवं आक्रोश व्याप्ति। कोरोना काल के बाद स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य हो रही है और राज्य सरकार के पास पर्याप्त मुद्रा कोष भी है, जिससे राज्य के कर्मचारी नव वर्ष में महंगाई भत्ता मिलने की आशा लगाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विगत 18 माहों में महंगाई अपनी चरम सीमा पर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, दालें, अन्य सामग्री, बच्चों की फीस, दवाइयां, मोबाइल रिचार्ज बिल आदि में बेहताशा बढ़ोतरी हुई, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता तथा एरियर राशि का भुगतान किया जाए। अगली बड़ी खबर अध्यापक संवर्ग के लिए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2020 को प्रदेश के शासकीय लोक सेवकों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना कैबिनेट में पास होने के बाद भी वर्तमान सरकार द्वारा इसे आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। प्रदेश के लगभग 2.5 लाख अध्यापकों को एक आशा बन गई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी में बाजार के मेडिकल के सहारे नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही वह किसी बीमारी से ग्रस्त होने पर अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज ले पाएंगी। परंतु सरकार द्वारा लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं किया गया, जिससे अध्यापकों को कोरोना महामारी एवं अन्य बीमारियों के इलाज में जमा पूंजी के साथ ही साहूकारों से पैसे कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू न होने से कोरोना काल में अध्यापक व उनका परिवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि शासन समय रहते इस बीमा योजना को लागू कर देता तो प्रदेश के हजारों अध्यापक बेहतर बुनियादी सुविधा का लाभ उठा पाते। इस योजना के लागू न होने से प्रदेश के अध्यापकों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ बाजार का मेडिक्लेम, जिसमें प्रतिवर्ष 1000 रुपये देने के बाद भी क्लेम नहीं मिल पा रही, वहीं दूसरी ओर इलाज में स्वयं की जमा पूंजी भी खर्च हो रही। अगली बड़ी खबर स्कूली शिक्षा विभाग की है। 1 से 8 तक क्लासें फिर हो सकती है ऑनलाइन। कोरोना पीक पर रहा तो टाली जा सकती है 10वीं और 12वीं की परीक्षा। विशेष खबर भोपाल से ही। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्कूली शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट बुलाई। विभागीय सूत्रों की माने तो 1 से 8 तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कराने संबंधी कोई निर्णय जल्द लिया जा सकता है। मंत्रालय में सोमवार को इस मामले को लेकर दिन भर तैयारियां चलती रही। विभाग यह भी तैयारी कर रहा है कि यदि लगातार मामले बढ़ते गए और फरवरी में कोरोना पीक पर रहा तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित 10वीं 12वीं की सालाना परीक्षा टाली जा सकती है। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार का कहना है कि अभी इस बारे में फाइनल कुछ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समीक्षा की जा रही है और हर जिले से रिपोर्ट बुलाई गई है। आखिरी और बड़ी खबर 500 शिक्षकों को नौकरी से निकालने की तैयारी। विशेष खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करने की परंपरा शुरू कर दी। उच्च न्यायालय से मिले स्थगन आदेश के आधार पर नौकरी कर रहे 500 व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का नया तरीका खोज लिया है। इस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में अब पढ़ाई नहीं पॉलिटिक्स होती है। राजधानी के अफसर शिक्षकों पर दबाव बनाने की नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं और स्कूलों के शिक्षक संगठन ज़्यादा वेतन कम से कम काम की पॉलिसी के तहत राजनीति करते हैं। वोकेशनल टीचर्स के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है।
आउटसोर्सिंग एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों की बिना किसी कारण के सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। इस कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। उच्च न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के योग्य समझा और फैसला होने तक सेवाएं समाप्ति वाले आदेश को स्थगित कर दिया। डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी शिक्षकों को सेवा में वापस तो ले लिया, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक साजिश रची गई। बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म ट्रेड में एडमिशन बंद कर दिए। इस साल परीक्षा के बाद मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में उपरोक्त तीनों कोर्स में पढ़ने के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की सेवाएं आसानी से समाप्त कर दी जाएगी। हाई कोर्ट में दलील दी जाएगी कि विद्यार्थी है ही नहीं, इसलिए शिक्षकों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। सभी शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत की गई। पिछले 3 साल से तीनों कोर्स में एडमिशन बंद है, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण संघ ने एडमिशन के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। अब जब नौकरी खतरे में पड़ गई है, तब बयानबाजी शुरू की जा रही है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।